हेलो गाइस, सो वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। और आज जैसे आपको पता है हम लोग सेंट्रल लंदन में रुके हुए हैं कुछ दिन के लिए, तो हमने सोचा दो द सर्च इज ऑन फॉर दी हाउस, बट हमने सोचा एट द सेम टाइम थोड़ा थोड़ा मज़ा उठाते हैं, कुछ घूमते हैं यहाँ पे, बिकॉज वो फिर हमें दोबारा नहीं मिलेगा, मतलब बिजी हो जाएंगे वंस ऑफिस स्टार्ट होता है। तो आज हम जा रहे हैं सेंट्रल लंदन में, एक बहुत ही फेमस प्लेस है, विल कीप यू पोस्टेड, स्टे ट्यून्ड। ओके गाइस, हम अभी आ गए हैं बेडफोर्ड स्ट्रीट। हमने सोचा था कि हम सेंट्रल लेन लेके ही जाएँ कोविड गार्डन, बट आज स्ट्राइक है तो वी थॉट हम एक्सप्लोरिंग की बस से ही जा सकते हैं। अभी एक्सप्लोर करते करते हमें लगा शायद ये वाला स्टेशन है, दिस इज़ बेडफोर्ड स्टॉप, यहाँ से इट्स 4 मिनट्स का टू कोविड गार्डन। और आप देख सकते हैं कि इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल एरिया। So this is the Bedford Street and यहाँ से 4 मिनट्स का वॉक है। यहाँ पे बहुत सारे थिएटर्स हैं अगर आप देखेंगे तो, यू नो इट्स फेमस फॉर द थिएटर, दैट्स व्हाट वी नो। हम भी एक्सप्लोर ही कर रहे हैं यहाँ पे अभी फिलहाल। और ट्रेन का मैं आपको राउट बता देता हूँ कि ट्रेन हमने नहीं थी, बस ली थी हमने थेम्स लिंक से 11 नंबर बस से हम उतरे हैं बेडफोर्ड स्ट्रीट। और हमें डोरी लेन उतरना था। अब हम कोविड गार्डन की तरफ जाएंगे और आपको बताएंगे जब हम वहाँ पहुँच जाएंगे। ऑलराइट गाइस, हम आ चुके हैं कोविड गार्डन और ये यहाँ पर अभी तो खाने के बहुत सारे ऑप्शन हैं। और ये देखो आपके सारे खाने के ऑप्शन हैं, यहाँ पे पीछे भी हैं बहुत सारे, आगे भी है। और वेदर बहुत गंदा है यहाँ पर, मुझे नहीं पसंद इतना गर्मी, इतनी गर्मी नहीं पसंद मुझे। So weather is actually nice here. So here in London, so actually लोगों को ये ही weather अच्छा लगता है when it is a bit brighter and sunny. Right, and आप देख सकते हैं कि लोग कैसे enjoy कर रहे हैं यहाँ पे। हम लोग भी अब जो main square है उसकी तरफ जा रहे हैं और बहुत सारे लोग आए हुए हैं। पंजाबी म्यूजिक चला रही है यहाँ पे। और राइट गाइस, तो यहाँ पे जो ना ये वैसे करते थे डांस, मतलब चूड़ी, तो फिर उन्होंने पंजाबी सॉन्ग लगाया हुआ था, तो ये मैंने जानबूझ के म्यूट करा है क्योंकि इस पे शायद कॉपीराइट भी आ सकता है, तो मैं इस चीज़ को म्यूट करा। और एक और परफॉर्मेंस हो गई, कोई मैजिक शो जैसा लग रहा है।
अब ये फिर कुछ अपना नया करने जा रहे हैं। अप्रिशिएट करना चाहिए आर्टिस्ट को। बहुत ही अच्छा एंटरटेन कर रहे हैं लोगों को। बच्चे के हाथ से स्लिप हो गया, तो बोल रहे हैं ऐसे करो, कर लिया। अब कुछ और इतनी देर के लिए ये तो हम ये मार्केट में आ गए। यहाँ पे आप देखिए शॉप तो बहुत अच्छी अच्छी, यहाँ पे लेडीज ज्वेलरी की शॉप। आगे चलिए, यहाँ पे बच्चों के लिए चॉकलेट्स एंड ऑल दिस काइंड ऑफ स्टफ एंड सम गेम्स एज वेल। उसके बाद यहाँ अगेन कपड़ों के छोटे बच्चों के लिए कपड़े। And this is Arnav's favorite shop, candy shop. और वो चला गया, देखो हाथ छोड़ते ही वहाँ उस तरफ चला गया। और उसकी मम्मा उसको खींचते हुए भरवाने को रेडी है। चलो अर्नव बाद में आते हैं। And this is souvenir shop, जहाँ से आप कुछ भी सुविधा ले जाना चाहते हैं जा सकते हैं, डेफिनेटली खरीद के। दीज आर द मैग्नेट जीन सुविधा। वाह, अभी नेहा को अपनी फेवरेट शॉप मिल गई है एक्सेसरीज की। एंड देखिए यहाँ पे गणेश जी भी हैं ऑलरेडी, इंडिया के गणेश जी भी हैं नेकलेस में। Hats and all. और शेड्स ट्राई करते हुए लेजर, राइट राइट राइट, लेजर ब्लेड ब्लेड की शेड में बने हुए हैं। Now, again, यहाँ पे कुछ खाने के आउटलेट्स भी हैं एंड लेट्स सी कि क्या क्या है खाने के ऑप्शन। और यहाँ पे जो आउटलेट्स हैं रेस्टोरेंट्स, तो उसमें सबसे पहले हॉट डॉग्स यहाँ पे थे। We'll go there. Let's eat first. Okay. Finally, हमने अपना लंच कर लिया है। पहले हम पिज़्ज़ा हट गए थे, बट पिज़्ज़ा हट में हमारा पॉपअप हो गया बिकॉज हमारे पास सो वी आर नॉट कैरिंग एनी कार्ड एंड दे डू नॉट एक्सेप्ट कैश। देन हम लोग यहाँ मैकडोनल्ड्स आए थे, मैकडोनल्ड्स में लंच कर दिया एंड स्पोर्टिंग जो हुआ दिया। अब यहाँ से हमें डेस्टिनेशन कुछ हमारे पर्सनल काम से जाना है, बट सिंस ट्रेन्स एंड ट्यूब्स आर ऑन स्ट्राइक टुडे सो वी विल गो बाय बस। ओके, सो आज के ब्लॉग के लिए इतना ही। होप यू एंजॉय कोवेंट गार्डन, राइट एंड प्लीज या प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑलराइट, चल बाय।